को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट डिस्कसिंग द ड्रैफ्ट एक्ट 2012। इन दैट कनेक्शन आई हैव रिक्वेस्टेड यू टू हैव अ क्विक लुक ऑन द ड्रैफ्ट एक्ट विच यू मे काइंडली ऑलरेडी हैव। ओके, अब हम अपना फॉर्मल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे यू कैन सी द ड्रैफ्ट एक्ट 2012। सही, अब इसका जो इंट्रो होता है, बल्कि प्रीएम्बल होता है, प्रीएम्बल आपको नजर आ रहा है? असल में ये स्कैन डॉक्यूमेंट है मेरे पास, आई कांट हाईलाइट, तो क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? ये कर्सर जहां पर मेरे पास आ रहा है, क्योंकि मैंने रिकॉर्डेड वीडियोस में देखा था कर्सर आ नहीं रहा होता है, क्या आप कर्सर देख सकते हैं अभी? यस सर, देख सकते। ठीक है, सही है। अच्छा, जिस तरह हमने ड्रग एक्ट 1976 को देखा था, वहां पर था एन एक्ट टू रेगुलेट, फिर उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो रहे थे, सेल मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग वगैरह। तो इसी तरीके से ड्रैफ्ट एक्ट है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फिर नीचे इसका मजीद पर्पज एक्सप्लेन किया है, टू ब्रिंग हार्मनी इन इंटर प्रोविंशियल ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ थेरेप्यूटिक गुड्स। प्लस फिर बोला है कि एंड वेयर इट इज एक्सपीडियंट टू रेगुलेट, ये सेम वर्डिंग है जो कि ड्रग एक्ट 1976 से मौजूद थी। फर्क सिर्फ इतना है, वहां पर बात हो रही थी ड्रग की और यहाँ बात कर दी है थेरेप्यूटिक गुड्स की। ठीक, चैप्टर वन वही चीज है कि इसको आप नाम क्या देंगे, द एक्ट मे बी कॉल्ड द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, इसका नाम ये होगा। पब्लिश कब हुआ, पब्लिश कब हुआ, डेट आपको नजर आ रही है? कैन यू सी द डेट? यस सर। क्या डेट है? 13 नवंबर 2012। अच्छा, अब ब्रीफली मैं इसको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों से भी नोट्स में लूंगा। रफली आप लोग बता दें कि 2012 में आप लोग कहाँ थे, मैट्रिक 9-10 जनरली इसी तरह कहीं थे? मैट्रिक, ठीक है, मेजोरिटी, क्योंकि 2020 में ना आप लोग फिफ्थ ईयर में 23 इयर्स के, तो 8 साल पहले, ठीक है, मैट्रिक में रफली होना चाहिए। अच्छा देखो, इसको लेजिस्लेशन की हिस्ट्री के तौर पे भी देख लें या कंटिन्यूशन के तौर पर देख लें, क्योंकि अब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो चुकी है लॉ के हवाले से। अब तक आप लोगों ने ड्रग एक्ट 1976 पढ़ा है, 1976 का था, उसमें बहुत से सवाल भी आपके जहन में आए होंगे, स्पेशली रिगार्डिंग द पेनल्टीज या मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के हवाले से, कि ये अब कैसे पॉसिबल है, क्या अब इसमें मजीद चेंजेस आ गई हैं, नहीं चेंजेस आई हैं। तो बहरहाल ये टॉप लेवल पर भी काफ़ी अर्से सोचा जा रहा था, लेकिन बहुत सी वजूहत की बिना पर बहुत सी चीज़ों की प्रायोरिटी नहीं थी। तो ड्रग एक्ट 1976 को चेंज करने की, रिवैम्प करने की कोशिशें बहुत अरसे से हो रही थी, लेकिन उसमें जो ब्रेक थ्रू आया 2008 के करीब करीब कहीं जाके, वहां पर सिलसिला ये हुआ था कि देखिए आप लोगों को याद होगा कि 18 अमेंडमेंट, द फेमस 18 अमेंडमेंट। 18 अमेंडमेंट में क्या हुआ, 18 अमेंडमेंट का जो नट शेल में अच्छी खासी चेंजेस आई हैं, उसमें अच्छी खासी चेंजेस आई हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि 73 के जितने अमेंडमेंट हुई हैं उनको अंडू करके 73 की कॉन्स्टिट्यूशन का असली सूरत है बहाल करें, ऑब्जेक्टिव ये था। उसके नतीजे में हुआ ये कि प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर मिली, अब प्रोविंसेस को ज़्यादा पावर मिली या काफ़ी डिपार्टमेंट्स अंडू हो गए फेडरल लेवल से, वो चले गए फेडरल के प्रोविंसेस के पास, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन। जब हेल्थ और एजुकेशन की बात आई तो फिर ये हुआ कि जब एजुकेशन चली गई तो मसला आया हायर एजुकेशन पे, स्कूल्स कॉलेजेस का तो मसला नहीं था, वो तो पहले भी प्रोविंसेस के कंट्रोल में थी, हायर एजुकेशन का मसला आया। तो हायर एजुकेशन के हवाले से उस वक्त कोशिश ये थी कि HEC को ख़त्म कर दें, क्योंकि HEC ने उस वक्त उस जमाने में 2008 में डिग्री वेरिफिकेशन का काम शुरू किया था, लोग खुश नहीं थे, वो डिग्री चेक कर करके बता रहे थे इसकी जाली डिग्री है, इसकी सही डिग्री नहीं है वगैरह वगैरह। तो HEC को डिसॉल्व करके प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की बात हो रही थी, उसमें फिर बहस वहस हुआ। इसी तरीके से हेल्थ के हवाले से जब बात हुई तो हेल्थ में, ठीक है ना, कुछ हॉस्पिटल्स तो वैसे ही प्रोविंसेस के पास थे, सेल और ड्रग भी इन्हीं के पास थी। फिर सवाल ये हुआ कि जब प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिल जाएगी या
टोटल हेल्थ का सेक्टर राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोविंसेस के पास चला जाएगा तो मुख्तलिफ मसाइल खड़े हो रहे थे। मसला क्या हो रहा था? मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ प्रोविंसेस अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस के क्राइटेरिया रख सकते थे। सेल ऑफ ड्रग के लाइसेंसेस तो अभी अलग अलग हैं। प्राइसिंग अगर आप दे देते, मतलब फेडरल के पास क्या क्या चीजें जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ था, सारे ऑपरेशन एक्सेप्ट सेल, प्राइसिंग अगर प्रोविंसेस के पास चली जाती फेडरल के बजाय, तो हर प्रोविंस अपनी अपनी प्राइस रखता कंसीडरिंग दी कॉस्ट। ज्यादातर इंडस्ट्रीज कहाँ पर हैं? कराची में। यहाँ कॉस्ट कम पड़ती, यहाँ पर बिकती ड्रग होती सस्ती। जैसे जैसे आप कंट्री जाते ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड होती, वहां पर पहुंचा पहुंचते ड्रग महंगी हो जाती। ठीक, जहां पर प्राइस का डिफरेंस आता है वहां स्मगलिंग फरूख पाती है। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है, कुछ प्रोविंसेस रखते लूज रेगुलेशंस, कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रखते, तो फिर होता यह है कि जिसे स्ट्रिक्ट प्रोविंस स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस में नहीं मिलता रजिस्ट्रेशन, वो किसी लूज प्रोविंस में जाता, मतलब लूज रेगुलेशन वाले प्रोविंस में जाता, वहां से अप्रूव कराता, मैन्युफैक्चरिंग वहीं पर शुरू कर देता, और फिर उसके बाद क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन आप रोक नहीं सकते थे। ये दो से तीन अहम चीजें थी, प्राइसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रजिस्ट्रेशन। अगर प्रोविंसेस का अलग अलग जाता तो अलग अलग स्टैंडर्ड आते हैं। एग्जाम्पल लेकर लाई गई थी अमेरिका, स्टेट्स हैं, हर स्टेट के अलग अलग रूल है, लेकिन वहाँ के सिनेरियो में हमारे सिनेरियो में थोड़ा फर्क है। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि भाई ऐसा करें कि इसे प्रोविंसेस को ट्रांसफर ना करें। अच्छी खासी बहस हुई थी, अच्छी खासी डिबेट की, नहीं ये प्रोविंस के पास जाना चाहिए। बहरहाल एक ऑर्डिनेंस निकाल दिया गया। ऑर्डिनेंस आप लोगों को पता है बाय द वे, ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब कोई चीज पार्लियामेंट का सेशन नहीं हो रहा होता या कोई इमरजेंसी लेजिस्लेशन करनी होती है तो ऑर्डिनेंस इशू कर देते हैं। तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस आ गया था कि फिलहाल जब तक कोई नया रूल नहीं बनता, कोई नया एक्ट नहीं बनता, फेडरल ही इन्हीं चीजों को देखे, और उसमें तकरीबन ड्रग एक्ट 1976 की चीजें रखी गई। फिर ड्रैप का ऑर्डिनेंस लेकर आ गए। फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि एक अथॉरिटी बना देते हैं, ठीक है, ऑटोनॉमी आप प्रोविंसेस को दे रहे हैं, लेकिन एक अथॉरिटी बना देते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग। अब इसे देख लें, यहाँ पर जो लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल को देखेगी, प्लस ड्रग के हवाले से। अब आप उस टाइम को याद करें, 76 में ड्रग की डेफिनेशन में क्या था, जिसमें आप लोगों ने पूरी डेफिनेशन पढ़ी, उसमें आयुर्वेदिक, बायोकेमिक, इन सब चीजों को एक्सक्लूड कर दिया था, ऐसे ही था। लेकिन अगर आप लोग रिकॉल करें तो आप लोगों को भी याद होगा, अभी भी ये चाइनीज मेडिसिन, आयुर्वेदिक, यूनानी, इसके नाम पर पता नहीं क्या क्या अलग अलग मौजूद है, अनरेगुलेटेड सेक्टर है। तो चूंकि 76 में ये चीज समझी गई थी, उसके बाद भी समझी गई थी कि जो रिस्पेक्टिव काउंसिल्स हैं या रिस्पेक्टिव ड्रग्स के हवाले से कानून बना दिए जाएंगे तो ये सेक्टर रेगुलेटेड हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं सका। जब वो हो नहीं सका तो ठीक है, अब काउंसिल बनाती रहे, गवर्नमेंट ने इन सबको रेगुलेशन के दायरे में लाने की कोशिश की और ड्रग की ड्रग की डेफिनेशन चेंज की, इम्प्रूव की, और ड्रग की डेफिनेशन के अलावा थेरेपेटिक गुड की डेफिनेशन लेकर आ गए। थेरेपेटिक गुड की डेफिनेशन के अलावा एलोपैथिक के अलावा जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबको अल्टरनेटिव मेडिसिन की कैटेगरी में लेकर आ गए। ठीक है, इसी पॉइंट को मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। थेरेपेटिक गुड लिखा हुआ है, थेरेपेटिक गुड को जरा सा हम क्लियर करते हैं। थेरेपेटिक गुड शुड बी अंडर द डेफिनेशन, या आप लोगों को पता है डेफिनेशन में कहाँ मिलेगा, थेरेपेटिक गुड होना यहीं कहीं चाहिए, ये रहा। स्क्रीन पे देख सकते हैं। यस नो क्विकली बोला करें प्लीज। ओके गुड, थेरेपेटिक गुड्स क्या करें, इंक्लूड ड्रग्स और अल्टरनेटिव मेडिसिन। इसका मतलब है ड्रग एक अलग चीज है और अल्टरनेटिव मेडिसिन एक अलग चीज है, और मेडिकल डिवाइसेस और बायोलॉजिकल्स, ये चार डेफिनेशंस आ रही हैं। ड्रग पहली, दूसरी अल्टरनेटिव मेडिसिन, तीसरी मेडिकल डिवाइस और चौथे बायोलॉजिकल्स और अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी। ये सब है थेरेपेटिक गुड्स में, और इन सब को रेगुलेट करना है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को, सूनर और लेटर। इसका ऑब्जेक्टिव यही है, स्कोप में यही लिखा हुआ है कि थेरेपेटिक गुड्स की। अब आप दोबारा देख लीजिएगा, अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं मैं दोबारा स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ। नजर आ रहे हैं, रेगुलेट मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ थेरेपेटिक गुड्स। तो अगर आज की तारीख में हमारे जहन में सवाल उठते थे ना, ये होम्योपैथिक, हर्बल, यूनानी, ये सब अनरेगुलेटेड सेक्टर है, अब ड्रैप एक्ट 2012 से बनने के बाद ये इसका डोमेन है, ग्रेजुअली कर रहे हैं।
इसी मकसद के लिए एक एनलिस्टमेंट रूल्स है 2014 के, वो देख लीजिएगा, अभी चूंकि कोर्स में शामिल नहीं है, टाइम का भी मसला है, वरना मैं उसे जरूर थोड़ा सा और डिस्कस करता। पर ये चीज आ गई है। फिर एक और चीज आपके जहन में आई कि अल्टरनेटिव मेडिसिन क्या चीज है। अल्टरनेटिव मेडिसिन को भी डेफिनेशन में देख लेते हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, कहाँ लिखी हुई है, अंडर ये क्या है, क्लॉज सब क्लॉज सब क्लॉज सब क्लॉज ड्रग एक्ट 1976 में डेफिनेशन आ रही थी क्लॉज में, याद रखिएगा। और ड्रैप एक्ट में यहाँ पर डायरेक्ट सब क्लॉज की डेफिनेशन है, सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 2। ठीक, अल्टरनेटिव मेडिसिन की डेफिनेशन है, ये बहुत अहम डेफिनेशन है, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट यूं समझ लें कि अब आपका सारा आर्गुमेंट इसी पर बेस करते हैं, क्योंकि लोग बहस कर रहे होते हैं कि हमारा सब्सटेंस ड्रग है या अल्टरनेटिव मेडिसिन, और क्योंकि आज की तारीख तक अल्टरनेटिव मेडिसिन पर पूरा ड्रग एक्ट अप्लाई नहीं होता, तो इसलिए ये समझने की जरूरत है। अल्टरनेटिव मेडिसिन मीन अ प्रोडक्ट यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक, बायोकेमिक, चाइनीज और अदर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। अब अगर आप इसको रिकॉल करें, थोड़ा सा ड्रग एक्ट 1976 से मौजूद ड्रग की डेफिनेशन को रिकॉल करें, वहां क्या लिखा हुआ था, वहां पर ये तमाम चीजें एक्सक्लूड की थी, ऐसा ही था? Yes, sir. Okay. तो इन तमाम चीजों को जिन्हें ड्रग एक्ट 1976 में ड्रग की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया था, उन सबको अल्टरनेटिव मेडिसिन के अम्ब्रेला में लेकर आ गए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उधर चाइनीज मेडिसिन का तस्करा नहीं था, चाइनीज को भी इसमें शामिल कर लिया। ठीक, तो अब आज की तारीख में ड्रग की डेफिनेशन अपनी जगह पर मौजूद है, अपनी जगह पर ड्रग की डेफिनेशन मौजूद है। अल्टरनेटिव मेडिसिन का एक और कॉन्सेप्ट आ गया, और अल्टरनेटिव मेडिसिन के अलावा ब्रॉडर सिनेरियो में थेरेप्यूटिक गुड्स आ गए हैं। थेरेप्यूटिक गुड्स डोमेन है ड्रैप का, ड्रैप करेगा। अब इसी मौके से फायदा उठाते हुए मैं ड्रग की डेफिनेशन भी आप लोगों को दिखाता हूं, जो मैं एक से दो दफा कहा है ना कि ड्रग की डेफिनेशन में थोड़ी सी चेंज आ गई है, इसी में ड्रग की डेफिनेशन देखें, यहां तो मौजूद नहीं है ड्रग की डेफिनेशन, आप देख लीजिएगा अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट आप जा रहे हैं, ये देखें ड्रग की डेफिनेशन, ड्रग की डेफिनेशन में रेफर कहां कर दिया, डिफाइन है शेड्यूल वन। अब शेड्यूल वन पे जाते हैं, इसी में शेड्यूल वन, दिस इज शेड्यूल फोर, शेड्यूल फोर थ्री फाइव, ये चैप्टर है चैप्टर फाइव, ओके दिस इज शेड्यूल वन। ठीक है, नजर आ रहा है आपको? ओके इसी में अब शेड्यूल वन में है डेफिनेशंस, एडिशन डेफिनेशंस में थोड़ी ही चेंजेस की गई हैं। ये डेफिनेशंस अब आप लोग इस लेवल पर हैं, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, मैं सिर्फ ड्रग की डेफिनेशन को हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। बायोलॉजिकल ड्रग्स, ड्रग्स बी के बाद डी में आना चाहिए ड्रग्स को, ड्रग तकरीबन वही डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन है। इसमें फर्क कहां पर आया है डेफिनेशन में, यहां पर कर्सर आप लोग देख सकते हैं, कर्सर आप लोग को नजर आ रहे ठीक है। ड्रग एक्ट 1976 में यहां एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ था, ठीक, और ड्रैप एक्ट में शेड्यूल वन में ड्रग की डेफिनेशन को चेंज किया है, और इन एक्सक्लूडिंग की जगह इंक्लूडिंग का वर्ड आ गया, ठीक, बात समझ आ रही है? मुझे साथ साथ रिस्पॉन्ड करते रहें, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सही वाली बात मुझे, अस्सलाम सही वाली बात मुझे समझ नहीं आई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ड्रग एक्ट 1976 में आप लोगों ने ड्रग की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक, उसमें जो सवाल हमें तंग कर रहा था कि आयुर्वेदिक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये एक्सक्लूड क्यों किए हैं, फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि ड्रैप एक्ट बना, तो ड्रैप एक्ट में अल्टरनेटिव मेडिसिन की डेफिनेशन लेकर आ गए, जिसमें जितने एक्सक्लूजन थे उन्हें शामिल कर लिया। दूसरा, थेरेप्यूटिक गुड्स की एक और डेफिनेशन डाल दी, इसमें तकरीबन सबको शामिल कर लिया, और ड्रैप को जिम्मेदारी दे दी कि आप थेरेप्यूटिक गुड्स के हवाले से तमाम चीजों को रेगुलेट करेंगे, ठीक।
उसके बाद अब मैं ये कह रहा हूँ कि शेड्यूल वन के अब ड्रग की डेफिनेशन पे कुछ चेंजेस आई हैं, उसे सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ। और अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ड्रग एक्ट 1976 में जो ड्रग की डेफिनेशन थी और ड्रैप एक्ट 2012 में जो ड्रग की डेफिनेशन है विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इसमें सिर्फ दो चेंज किए हैं इन्होंने, सिर्फ दो चेंजेस किए हैं। एक चेंज यहाँ पर किया है, कर्सर जहां पर मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ उधर डेफिनेशन में एक्सक्लूडिंग लिखा था, वहां पर आपने यूनानी सिस्टम और आयुर्वेदिक को निकाल दिया था, अब ड्रग की डेफिनेशन में दे आर इंक्लूडेड, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चाइनीज मेडिसिन को ऐड कर दिया, बाकी ड्रग की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, तो अब बात ये आ रही है, अब चीजें थोड़ी सी हो गई हैं कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। एतबार किसका होगा? एतबार होगा जो ड्रग एक्ट बाद में आया है, अनलेस के प्रीवियस कैंसिल या सस्पेंड नहीं किया गया हो या रिपील या सेविंग का सिलसिला होगा। तो आज की तारीख में आप ड्रग बोलेंगे इस डेफिनेशन के तहत, अब ये तमाम चीजें ड्रग में शामिल है। ठीक, ये तमाम चीजें ड्रग में शामिल है। दूसरी तरफ अल्टरनेटिव मेडिसिन की एक डेफिनेशन बना दी है, अल्टरनेटिव मेडिसिन में ये तमाम चीजें आ गई हैं। तो चूंकि इन तमाम चीजों को एक साथ करना ड्रैप के लिए मुमकिन नहीं था, शुरू में कोशिश की थी लेकिन बेतहाशा रेजिस्टेंस आई थी, क्योंकि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं इन ड्रग्स की सेल का, मेजर पोर्शन इन्हें इन्हीं अनरेगुलेटेड सेक्टर से मिल रहा है, बेतहाशा रेजिस्टेंस आई थी, क्या रिटेलर क्या मैन्युफैक्चरर सबकी तरफ से। ठीक है, तो ड्रैप के पास इतने लोग भी नहीं थे, अभी भी लोग नहीं है, तो इस चीज को थोड़ी देर के लिए मतलब कुछ अरसे के लिए डेफर कर दिया है, लेकिन अल्टीमेटली ये ड्रैप का परव्यू है इन तमाम चीजों को लुक आफ्टर करना। ये होम्योपैथिक भी अगर दवा बेच रहा है, सब दवाई मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है, स्टोर कर रहा है, तो ये सब अब ड्रैप के दायरे अख्तियार में आ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ड्रैप अभी करे नहीं करे वो एक अलग बात है, लेकिन लीगली दे आर ऑथराइज। और इसी एक्ट के स्टार्ट में जो इन्हें स्कोप में जो लिखा हुआ है, स्कोप में यही बात लिखी है, क्योंकि आप लोग अब तक अब वर्डिंग आप प्रॉपर पढ़ सकते हो, टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर इंपोर्ट एटसेट्रा सेल ऑफ थेरेप्यूटिक गुड्स। ठीक है, यहां तक बात हुई हमारी, इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड, उसके बाद ड्रैप एक्ट की जरूरत क्यों हुई और ड्रैप एक्ट का परव्यू क्या है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसके बाद हमें कुछ चीजें देखने की, ड्रैप हम किसे कह रहे हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये अथॉरिटी किस चीज की है, क्या है ये अथॉरिटी की डेफिनेशन, आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं जो कि अंडर सेक्शन 3 बनी है। मतलब आपने देखो ड्रग एक्ट 1976 में तमाम चीजें कहाँ रेफर हो रही थी, फेडरल गवर्नमेंट ये करेगी, फेडरल गवर्नमेंट वो करेगी, फेडरल गवर्नमेंट बोर्ड स्टैब्लिश करेगी, तो फेडरल गवर्नमेंट के जितने भी काम थे अंडर द ड्रग एक्ट 1976 वो सारे के सारे अब इस अथॉरिटी को दे दें, जिसे आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बोल रहे हैं। अच्छा, अब जब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बोल रहे हैं तो इसको स्टैब्लिश किया, यूं समझें कि ये पूरा जो एक्ट है ना, ये पूरा एक्ट इसी अथॉरिटी की स्टैब्लिशमेंट किस तरह बन रहेगी, क्या कंपोजिशन होगी, क्या फंक्शंस होंगे, क्या पावर होंगे, इनके गिर घूम रही है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक एस्टैब्लिश कर दिया ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान बना दी है, जिसे आप अथॉरिटी के नाम से याद रखेंगे। ये अथॉरिटी होगी बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। इसका क्या मतलब होगा, कोई भी आइडिया अगर आपके जहन में तो बता दीजिए। जो भी आपके जहन में आ रहे, बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब है, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील का क्या मतलब है? कोई सवाल पूछा है मैंने, इसमें नहीं पता तो नो बोल दें, ताकि वी शुड मूव फॉरवर्ड। सर सही आइडिया नहीं। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट को आप इस तरीके से लेकर जाएंगे कि कॉर्पोरेट कल्चर में क्या होता है, कॉर्पोरेट में
कॉर्पोरेट के अपोजिट अगर आप बहुत कोई कॉमन टर्म इस्तेमाल करेंगे ना, वो ऐसी जगह पर होगी जहां पर अथॉरिटी चल रही है, या जहां पर कॉमन अल्फाज में इस्तेमाल करते हैं कि स्टेट मेंटेलिटी, एक बंदा एक फर्दे वाहिद फैसले कर रहा होता है। कॉर्पोरेट में ये होता है कि आपका पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एक बोर्ड मौजूद होता है जिसमें कलेक्टिव डिसीजन होते हैं आफ्टर डिटेल डिस्कशन। तो यहाँ पर डिसीजन एक बंदा नहीं लेगा, यहाँ पर डिटेल डिस्कशन के बाद होंगे और अप्रूवल मुख्तलिफ मल्टीपल लेवल से अप्रूवल लेने पड़ेंगे। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये है कि एक बंदे के चले जाने से, रेजिग्नेशन से या किसी के इंतकाल कर जाने से ये सिस्टम खत्म नहीं होगा। परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये चीज चलती रहेगी, गवर्नमेंट खत्म हो, नई गवर्नमेंट आए, कुछ भी हो, ये परपेचुअल सक्सेशन है, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाए वो एक अलग बात है, परपेचुअल सक्सेशन है, ये चीज चलती रहेगी। कॉमन सील, एक स्टैंप, एक नाम और इसकी एक सील बनेगी जिस नाम को आप इस्तेमाल करेंगे। मतलब कहीं पर भी कोई रिप्रेजेंटेटिव शो प्रेजेंट किया जाएगा तो वो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। पर्सन कैपेसिटी में आप नहीं जाएंगे, पर्सन कैपेसिटी में अथॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसके प्रॉक्सी के तौर पर आप जाएंगे, अथॉरिटी को ही आप प्रेजेंट करेंगे। कॉमन सील का मतलब है कि एक प्रॉपर स्टैंप बनी होगी, उसी स्टैंप को बहुत आसान अल्फाज में करें, उसी स्टैंप को आप इस्तेमाल करेंगे हर जगह पर। ड्रैप की स्टैंप कहीं लगी हुई है, ड्रैप से आपने ऑथराइज किया हुआ, तो एक ऑफिशियल सील मौजूद होगी। इसी तरीके से इसमें और इसी, जब ये एक बॉडी बन गई है तो ये ड्रैप मुख्तलिफ लोगों से कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं। मतलब अभी ये पूरी बॉडी है, कॉर्पोरेट बॉडी है, तो ड्रैप मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से MOU साइन कर सकते हैं, पाकिस्तान के बाहर से कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बॉडी कॉर्पोरेट है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी कॉर्पोरेट में एक तो मल्टीपल लेवल पर डिसीजन लेके अप्रूवल लेने हैं, प्लस फाइनेंसेस खुद मैनेज करना है आपको, फाइनेंसेस खुद मैनेज करना है, उसी वजह से ये प्रॉपर्टी को मैनेज करना और इसी तरीके से फंड को मैनेज करने की पावर इनके पास है। प्लस एक और चीज आ गई, शैल बी ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस बॉडी अपने डिसीजन खुद लेंगे, मतलब ये नहीं कि आपको हर डिसीशन के लिए पॉलिसी मैटर्स अलग हैं। डिसीजन के लिए आपको टॉप मैनेजमेंट, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फेडरल गवर्नमेंट है ना, हर चीज के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा, ऑटोनोमस बॉडी है। छोटे मोटे फैसले, डेली रूटीन के फैसले आप खुद कर लेंगे। तो एक तो बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा ये ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी को एक और तरीके से आप इस तरीके से लेंगे, सैलरी स्ट्रक्चर होगा, सैलरी स्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट वाला नहीं होगा, डिफरेंट होगा। बोनसेस देने, बोनसेस दे देंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का होता तो जो फेडरल गवर्नमेंट का सैलरी स्ट्रक्चर है वही सैलरी स्ट्रक्चर होता, जो प्रमोशन का कायदे कानून है वही होते, ग्रेड 20-21 मतलब जो भी है, ग्रेडिंग भी वही होती। यहाँ पर ग्रेडिंग थोड़ी डिफरेंट है, अगर वही ग्रेडिंग रखते तो सैलरी भी वही होती, ग्रेडिंग थोड़ी डिफरेंट है, सैलरीज के हवाले से थोड़े इम्प्रूवमेंट है, मुख्तलिफ चीज़ें इस वजह से ये क्यों, क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है। प्लस फिर ये कहा कि अपने हेड ऑफिस तो इनका होगा इस्लामाबाद में, लिखा हुआ यहाँ पर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, लेकिन रीजनल ऑफिसेस ये खोल सकते हैं, सब ऑफिसेस हो सकते हैं, लेबॉरेटरीज हो सकती हैं प्रोविंशियल कैपिटल में, और इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर हो सकती हैं। फेडरल ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के जितने ऑफिस हैं वो इनके कंट्रोल में आएंगे। ठीक, कॉमन सील कौन इस्तेमाल करेगा? कॉमन सील इस्तेमाल करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक, मतलब एक ऑफिसर होगा ना कि अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट कौन करता है? अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब इसका मतलब ये हुआ कि अथॉरिटी की हमने बात कर ली, एक अथॉरिटी है बॉडी कॉर्पोरेट, फेडरल गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश कर दी, बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन है, प्रॉपर्टी मैनेज कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, इस्लामाबाद में इनका हेडक्वार्टर होगा, सब ऑफिसेस मुख्तलिफ जगहों पर खोल सकते हैं, फेडरल ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम ऑफिसेस इन्हीं के कंट्रोल में आएंगे। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ हो गई। अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द अथॉरिटी। अब जब भी हम इस तरीके की अथॉरिटी, बोर्ड वगैरह को डिस्कस करते हैं ना, तो दो से तीन चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, बोर्ड अथॉरिटी काउंसिल इसमें कौन लोग शामिल होंगे, कौन लोग मौजूद होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज ये कि मीटिंग्स किस तरह की होंगी, कोरम किस तरीके से मेंटेन होगा, पावर और फंक्शन क्या होंगी और ड्यूरेशन कितनी होगी, ये तीन चार सवाल करते हैं। और कुछ फाइनेंस के हवाले से चाहते हैं कि फाइनेंशियल पावर क्या है, तो इन्हीं पॉइंट्स हम लोग चलेंगे, सीक्वेंस में सब कुछ है इसमें। तो पहले हम देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी क्या है। कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी आ गई कि भाई कंपोजिशन ये है कि एक तो है इनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर,
स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और कितने डायरेक्टर हैं? काइंडली पढ़िएगा। 13 डायरेक्टर हैं और एक उन्हें हेड कर रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। टोटल कितने हो गए? 14। हु शैल बी, क्या लिखा हुआ है? अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। अब ये बोर्ड नया आ गया, बोर्ड में अभी बताते हैं। बोर्ड है पॉलिसी बोर्ड, पॉलिसी बोर्ड इससे ऊपर है। कंपोजिशन क्या होगी? फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्शंस दे रही है, मतलब पॉलिसी मैटर्स, और ड्रैप को बना के खुला तो नहीं छोड़ दें, इसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ ना कुछ होगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव किसके कंट्रोल में आ रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिवली फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं, फेडरल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बोर्ड बना दिया है। पॉलिसी बोर्ड ओवरसी कर रहा है ड्रैप की अथॉरिटी को। होगा ये कि एक अथॉरिटी जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और 13 डायरेक्टर हैं, ठीक, इनके ऊपर एक पॉलिसी बोर्ड, और पॉलिसी बोर्ड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है फेडरल गवर्नमेंट को। तो ये कंपोजिशन बन रही है फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के नीचे पॉलिसी बोर्ड, ड्रग पॉलिसी बोर्ड, पॉलिसी बोर्ड के नीचे ड्रैप, और ड्रैप में ये 13 डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो अपॉइंट होंगे, फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, मतलब फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। ऑन द रिकमेंडेशन बोर्ड, बोर्ड रिकमेंड करेगा, और क्वालिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशंस में भी प्रिस्क्राइब, इनके रेलिवेंट रूल्स हैं मौजूद होंगी। क्लियर है? ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब इसके बाद जब ये डायरेक्टर्स आ रहे हैं ना, 13 डायरेक्टर किस तरीके के होंगे, तो 13 डायरेक्टर्स के लिए 13 डिविजन्स हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। मैं सिर्फ नाम पढ़ देता हूँ। एक डायरेक्टर है फार्मास्यूटिकल इवेल्यूएशन एंड रजिस्ट्रेशन का। इसका काम क्या होगा? काम यहाँ पर लिखा हुआ है, इवेल्यूएशन असेसमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग, ठीक है, ड्रग रजिस्ट्रेशन इसका काम है। लाइसेंसिंग, अब ये दूसरा आ रहा है डायरेक्टर ड्रग लाइसेंसिंग, इसका काम क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस इशू करना है इंस्पेक्शन करने के बाद। तीसरा डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस लेबोरेटरी टेस्टिंग, नाम से जाहिर है। फोर्थ डायरेक्टर का बताइएगा, आप में से कोई एक टाइटल पढ़ दे, सिर्फ टाइटल पढ़ दे। डायरेक्टर मेडिकल डिवाइसेस एंड मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स, ठीक है। अब इसके बाद इसका टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा कि टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द असेसमेंट एनलिस्टमेंट और रजिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस एंड मेडिकल कॉस्मेटिक्स। तो ये इस तरीके के आप देखते आइएगा, जिसका बायोलॉजिकल ड्रग्स हैं, कंट्रोल ड्रग्स, फार्मेसी सर्विसेज, हेल्थ एंड ओटीसी प्रोडक्ट्स, कॉस्टिंग प्राइसिंग, बजट एंड अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल अफेयर, मैनेजमेंट MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये 13 डायरेक्टर हैं, 13 डिविजन्स हैं, 13 डिविजन्स के 13 डायरेक्टर्स हैं। इन सब के काम क्या है? काम यहाँ पर लिखेंगे कि फंक्शंस क्या हैं। इन्हें आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि 13 डायरेक्टर हैं। याद आप लोग अगर आप 3-4 दफ़ा पढ़ लेंगे ना, क्योंकि देखें आपके जहन में पूरा कॉन्सेप्ट है कि ड्रग के हवाले से बिजनेसेस किस तरीके से चलते हैं। अगर मैं आपसे अभी, आप लोगों ने स्क्रीन पर बहुत क्विकली देखा है, अभी मैं आपसे कहूँगा ना 3-4 डायरेक्टर से नाम आप क्विकली मुझे बता देंगे। आप लोग मुझे बता दो कि एक डायरेक्टर प्राइसिंग के लिए भी होगा, एक डायरेक्टर होना चाहिए रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग के लिए, एक होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लीगल अफेयर का, ठीक है, एक हो जाएगा, फार्मेसी सर्विस के लिए होना चाहिए, OTCs के लिए होना चाहिए, कंट्रोल ड्रग्स के लिए होना चाहिए, बायोलॉजिकल्स के लिए होना चाहिए, मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स के लिए होना चाहिए। क्विकली देखते होगा ना, 2-3 दफा देखोगे आप लोगों को याद हो जाएगा। अभी बताया मुश्किल है कि 13 नाम कैसे याद करेंगे, 13 डिविजन कैसे याद करेंगे, लेकिन ये याद रखो अगर गवर्नमेंट जॉब में आप लोग जाओगे फेडरल लेवल पर तो इधर जाना होगा, और इधर ही, ये तो डायरेक्टर से बात हो रही है, डायरेक्टर के नीचे डिप्टी डायरेक्टर के साथ एडिशनल डायरेक्टर भी हो सकता है, एडिशनल डायरेक्टर के साथ डिप्टी डायरेक्टर होगा, डिप्टी डायरेक्टर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके नीचे फिर असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर वगैरह आ रहे हैं। तो बड़ी चेन है, अपॉइंटमेंट देर से आता है। आखिरी एडवर्टाइजमेंट भी जो आया है लास्ट ईयर जुलाई 2019 में, 2-3 डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की एडवर्टाइजमेंट आई थी, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इस वक्त भी in the light of a recent news report that was published somewhere in April, इस वक्त 13 में से 5-6 डायरेक्टर फंक्शनल है। ड्रैप की वेबसाइट पे देख लीजिएगा किस वक्त कौन कहां पर मौजूद है, 13 डायरेक्टर ही मौजूद नहीं है। वजह सोचते हैं क्या वजह हो सकती है। बहरहाल जगह खाली है, ऊपर के लेवल पे जगह खाली है, नीचे के लेवल पे जगह खाली है। तो अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया जरा देख लीजिएगा, क्या क्या अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया है। गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो इन तरीकों पर जाएंगे, सिस्टम को समझ लीजिएगा। तो 13 डायरेक्टर्स हैं, 13 डिविजन्स हैं, ये आप लोगों को क्विकली याद हो जाएंगे, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ आप 2-3 दफा पढ़ेंगे
सिस्टम की समझ है ना, सिस्टम को समझेगा, सिस्टम को समझेंगे चीजें खुद याद हो जाएंगे। अच्छा फिर उसके बाद है फेडरल गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड पॉलिसी बोर्ड है, ये डिवीजन डायरेक्टर को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ये सब कुछ दे दिए बोर्ड के पास। अब ये बार्बर एक्ट में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक्ट में अमेंडमेंट कितना मुश्किल काम है, मेजोरिटी चाहिए होती है और पहले तो विल हो, प्रेजेंट करें उसे असेंबली में, उसके बाद फिर मेजोरिटी को लेकर आए। तो ये पावर बोर्ड को दे दी गई है कि अगर 13 डिवीजन से काम नहीं चल रहा, आप 15, 18, 20 डिवीजन करना चाह रहे हैं, यू कैन, बस बोर्ड रिकमेंड कर देगा बोर्ड फेडरल गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट इसे नोटिफाई कर देगी। इसी तरीके से रेलेवेंट एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट के मोड की क्या बात है, परमानेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट पर होगा या एडहॉक पर होगा, ठीक, ये तमाम चीजें बोर्ड रिकमेंड करेगा फेडरल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट फाइनलाइज कर देगी। यहाँ तक आप मुझे, आप में से कोई मुझे बताएगा कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन, क्या कंपोजिशन है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की, प्लीज। जी मिनाल सर, एक सीईओ और 13 डायरेक्टर्स होंगे जो फेडरल पॉलिसी बोर्ड कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ठीक है, सही है। अतः ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी आप कह रहे हैं कि कंपोजिशन होगी टोटल 14 मेंबर्स हैं आज की तारीख में, या अब तक जो एक्ट हमने पढ़ा है, एक सीईओ होगा और 13 मुख्तलिफ डिविजन के डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है, सही है। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, आखिरी 2 मिनट है, उसके बाद मैं नया लिंक शेयर करता हूँ और 9:50 से ऊपर मैं नहीं जाऊँगा इंशाल्लाह। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपके सामने है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ठीक है। अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की नजर सैलरी इधर उधर ढूंढ लीजिएगा तो आपको अंदाजा होगा, खुद ढूंढ लीजिएगा आप लोग सैलरी और फंक्शंस, अभी नीचे आ रहे हैं इसके फंक्शंस। क्या क्वालिफिकेशन है भाई, अपॉइंट होगा, ये लिखा हुआ ना अपॉइंट होगा बंदा, वो बंदा हु हैज अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फार्मेसी और मेडिसिन, ठीक। एज कितनी हो गई, 45 ईयर से कम नहीं हो और 56 ईयर से ज्यादा नहीं हो, दो चीजें आ गई, क्वालिफिकेशन आ गई, एज लिमिट आ गई। एक्सपीरियंस 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो मैनेजमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल फील्ड और रेगुलेटरी अफेयर्स इन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में उसने काम किया हो फार्मास्यूटिकल फील्ड मैनेजमेंट या रेगुलेटरी अफेयर्स में। क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, देन नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, और नेचर ऑफ एक्सपीरियंस भी स्पेसिफिकली मांग लिया पब्लिक सेक्टर का, मुश्किल है क्योंकि फार्मास्यूटिकल फील्ड में फिर वही है जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वही आ सकते हैं 20 साल के एक्सपीरियंस वाले। फिर आगे बता दिएगा कि अगर ऐसा कोई बंदा ना मिले ऑफ एफोरसेड क्वालिफिकेशंस पब्लिक सेक्टर में, तो इन क्वालिफिकेशंस का बंदा प्राइवेट सेक्टर से लिया जा सकता है, लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगी पब्लिक सेक्टर को। ये क्राइटेरिया जहन में रखें, आप में से कोई एक रिपीट कर दे तो ज़रा बेहतर रहेगा, जो लोग पहले इनपुट दे चुके हैं, मेरा ख्याल है 2 से 3 लोग बोल चुके हैं, उनके अलावा कोई और बोलेगा, मिनहाल बोल चुके हैं, राबिया बोल चुकी हैं, मुजम्मिल भी कुछ ना कुछ इनपुट दे चुके हैं, इनके अलावा कोई और बोले, समरी मुझे बताएं क्या क्वालिफिकेशन है। मीटिंग के आखिरी मिनट में मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, जब तक बोलेंगे नहीं मैं सिर्फ लिंक शेयर कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, इसमें ये था कि पहले क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा फिर एज फैक्टर, फिर देन उसकी जो है वो जॉब, ठीक है, जॉब कितनी, जॉब एक्सपीरियंस और उसकी नेचर ऑफ जॉब, नहीं कितना है ये मुझे बता दें, ये मुझे बता दीजिए कि ठीक है 20 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज लिमिट कितनी है, नेचर ऑफ, एज लिमिट 45 से लेस नहीं होनी चाहिए, 56 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, गुड। डिग्री किस में होनी चाहिए, डिग्री जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट फार्मेसी में होनी चाहिए, और मेडिसिन, ठीक है, पब्लिक सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस हो, पब्लिक सेक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए।